गाय हमारे देश में किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसमें किसान को ट्रैक्टर की कीमत का 50% भुगतान करना होगा, वहीं बाकी आधा पैसा केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। किसानों को खेती किसानी के काम में कई तरह की मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, इन्हीं में से एक ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर से किसान जुताई, पलेवा, ढुलाई जैसे काम करते हैं। हालांकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं। ऐसे किसान किराए पर ट्रैक्टर लेकर खेती से जुड़े काम करवाते हैं। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। केंद्र ने ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इस योजना से किसानों को किराए पर ट्रैक्टर लेने की समस्या से निजात मिल जाएगी। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कई राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर 20-50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। अब ये जानना जरूरी है कि इस योजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा। तो बता दें कि केंद्र सरकार उन्हीं किसानों को सब्सिडी देती है जो एक ट्रैक्टर खरीदते हैं। आसान शब्दों में समझें तो आपको सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना जरूरी है। इस योजना के तहत किसान किसी भी CSC सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।